मैथ्स अगर आप समझ लो तो बहुत सिंपल है, नहीं समझो तो उससे डिफिकल्ट कोई पेपर होता नहीं है। जो बच्चे को अगर मैथ में इंटरेस्ट है, तुम्हें लगता है कि यार मैथ्स है अभी तो इजली हो जाएगा, और जिन लोगों को एकदम इंटरेस्ट नहीं है वो लोग एकदम भागते हैं कि यार मैथ्स आ गया इस टाइप का है। तो उसमें है कि आप बेसिक लेवल पे चले जाओ, उसको समझने की कोशिश करो चैप्टर है क्या क्या बताया जा रहा है। अगर उसको लॉजिकली समझते चले जाओगे, बस उसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए तो सारे चीज़ें अपने आप इजी होती चली जाती हैं। और आप स्टार्ट कर लो जिस भी लेवल पे हो आप, लेवल का मतलब ये है कि आप 10th लेवल तक, 11th लेवल तक, उसके बाद नहीं। अगर 10th लेवल तक भी आपका मैथ वीक है तो उसका 11th बेसिक से समझाना स्टार्ट करो कि 10th और 11th के गैप मैथ्स में बहुत का गैप है। 10th लेवल की जो भी स्टडी है वो एक जनरल स्टडी है, जनरल नॉलेज होना चाहिए, या मैथ ले लो या साइंस ले लो या एसएसटी ले लो, वो कुछ भी। लेकिन उसके बाद अगर बेसिक से आप स्टार्ट करोगे किसी चीज़ों को कि यही हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे लॉजिक लगाओ कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अगर लॉजिक क्लियर है तो सब्जेक्ट अपने आप आसान हो जाएगा, और मैथ्स में तो बिना लॉजिक का कोई चलता नहीं है। कॉन्सेप्ट है कि हम जैसे अभी बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सिंपल सा यही है। तो हम ये है कि बच्चे किसी मैसेज बच्चे को कि मैसेज देना है हमें, तो मैसेज देने के लिए हम तो हम लोग पढ़ाई जो कर रहे हैं मैथ्स में कि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पे पहले है कि क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर में वो जो कोई पॉइंट्स आए, जैसे क्वाड्रेटिक की हम बात करें तो क्वाड्रेटिक होता क्या है, यहाँ से स्टार्ट करें। क्वाड्रेटिक का हमारे लाइफ में बहुत सारा रोल है कि सिंपली अगर एक बॉल को हम फेंकते हैं तो बॉल जिस पाथ को फॉलो करता है तो वहाँ पर क्वाड्रेटिक आ जाता है। बट वहाँ पर है कि प्रोजेक्टाइल मोशन की जब बात करें तो अब सबने बॉल फेंका है लेकिन वो कैसे करता है, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है नो डाउट थ्योरेटिकल बेस्ड बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए बच्चों को वो सब चीज़ें समझ में नहीं आती। उसको जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ से अप्रोच उसको ज्वाइन करते हैं। मैथ्स में भी अलग अलग पार्ट है, तो वो क्या है सबसे पहले, क्यों है, ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि वाट इज वाट वाई हाउ, तो ये सब जो क्वेश्चन है तो वो लॉजिक आप लगाओ कि हर क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, पहले तो क्या है वो और क्यों कर रहे हैं, बस इतना करो तो चीज़ें अपने आप सिंपल हो जाएगी। कि अगर हम जो भी स्टेप ले रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और यही क्यों कर रहे हैं, दूसरा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ें हैं कि क्वेश्चंस कभी कभी एक ही तरीके से बनती है, कभी कभी दो तीन मेथड होते हैं, तो किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, आपका अप्रोच क्या होता है। तो अप्रोच जो भी अप्रोच हम ले रहे हैं तो कभी उससे आंसर आता है कभी नहीं आता, तो अगर आंसर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और आंसर आ गया तो क्यों आ गया, तो ये चीज़ें होती हैं। तो उस क्यों को आप समझो तो अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैथ्स नंबर के साथ खेलना सीखे सबसे पहले कि हाँ मैं आप एडिशन ओरली पूछ सकते हैं, पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ तो उनसे बातों बातों में एडिशन पूछ ले, मल्टीप्लिकेशन पूछ ले, पहले एडिशन से स्टार्ट करें फिर सब्ट्रैक्शन पे आ जाए, फिर थोड़ा सा ओरली काउंटिंग कराना है उनके, मीन्स मल्टीप्लिकेशन बताएं कि इतना इंटू इतना क्या होता है, या किसी टेबल पूछ ले। तो बच्चा जब छोटा है तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है उन्हें, और वो आप कंटिन्यू रखते हो। आपको हमेशा जब भी हम लोग स्टार्ट किए हैं बच्चे हम, सबसे पहले हम लोग हिंदी या इंग्लिश ABCD या क पढ़ें, उसके बाद 1 2 3 काउंटिंग सीखें, फिर उस लेवल पे आप देखोगे तो हर बच्चा जो है ना टेबल में बहुत तेज होता है, हर बच्चा मैक्सिमम बच्चा में देखा। बट वो चीज़ें वो कहाँ चली जाती है, जब बच्चे बड़े होते हैं तो कहाँ चली जाती है, तो वो है कि हमारा भी कहीं ना कहीं रोल है कि हम इंटरेस्ट उनका वो बच्चे से जितने इंटरेस्ट हम लोग पहले बचपन में पूछते थे, जब बच्चा 2 साल का 3 साल का या 4 साल का होता तब पूछते थे, या 8 साल का 10 साल का हो गया तब पूछते, दोनों में डिफरेंस आ जाता है, उतने इंटरेस्ट से हम लोग का भी कहीं ना कहीं कमी हो जाती है और बच्चे का इंटरेस्ट उसे चले जाता है। तो अगर हम शुरुआत से करें कि बच्चे का चला गया इंटरेस्ट नहीं है, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगर आप लोग उन्हें समझें कि कहाँ दिक्कत आ रही है उनसे, सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि उनसे बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नए अगर 7th 8th लेवल पे कर ले तो वो बहुत आराम से वहाँ से किया जा सकता है, कि आप उनसे मैथ्स में पूछें कि कोई बुक उन्हें दे इंटरेस्ट का, अगर नहीं आता है तो आप किसी एक किसी जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं कोई फैकल्टी के, तो उनसे आप कंसल्ट करें एक बार। तो बच्चे को गाइड करना बहुत जरूरी है, सब बच्चे के पास दिमाग होता है, सब बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, उसे बस करवाना होता है अच्छे से, प्रॉपर गाइडलाइन जरूरी है। तो आराम से अगर एक समय पे सही समय पे मिल जाए तो बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं, वो ना मिले तो फिर दिक्कत हो जाती है। बने रहें thetimesmedia.com पर, आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।